हेलो दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आ रहा है लेटेस्ट नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन शेड्यूल और एसओपी ऑफ एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का शेड्यूल और एसओपी। तो एसओपी देखने के लिए आपको नीचे आना होगा यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको आपको दिख जाएगा यहाँ पर शेड्यूल एंड एसओपी ऑफ एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021। तो एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का शेड्यूल डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या है शेड्यूल के अंदर, तो और एसओपी भी बता देते हैं आपको क्या है। तो ये है नोटिफिकेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी द्वारा कराई जा रही है। तो ये शेड्यूल है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो रहा है एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का 10 जून से और ये एग्जामिनेशन चलेगा 18 जून तक 2021। और आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग होगा यहाँ पर 11 AM to 1 PM। आपका यहाँ पे सारा बिजनेस मतलब कि पेपर कोड दिया गया है और पेपर का नाम दिया गया है बिजनेस पॉलिसी एनालिसिस, सारा आप कुछ देख लीजिएगा। मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ एसओपी की तरफ। तो यहाँ पे नोट लिखा गया है क्वेश्चन पेपर विल बी ईमेल। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो ईमेल कर दिया जाएगा 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन 11 बजे शुरू होने वाला है तो आपका 10:45 में क्वेश्चन पेपर आपके कॉलेज से ईमेल कर दिया जाएगा आपके मेल आईडी पे। उसके बाद आपको 10 ब्लैंक पेजेस में A4 साइज पेजेस में अपना आंसर लिखना है। तो उसका कवर पेज में आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे दे दिया गया है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, उसके बाद 10 डिजिट का आपका रोल नंबर जो आपके कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कर दी गई होगी अभी तक, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद कैंडिडेट्स ईमेल आईडी, उसके बाद कैंडिडेट्स का फ़ोन नंबर, सारा कुछ आपका फर्स्ट कवर पेज में देना होगा। उसके बाद नोटिस बोर्ड दिया गया, द कैंडिडेट शुड नॉट राइट आपका अपना नाम और कुछ भी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे नाम नहीं लिखना है, सीधी बात है वहाँ पे जो भी आपका कवर पेज होगा। उसके बाद दिया गया है आपका क्वेश्चन, फुल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर आर 56। तो आपका 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद जो वर्ड लिमिट होगा आंसर लिखने का वो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट को 1 बजे स्टॉप कर देना है अपना राइटिंग। उसके बाद आपको एक सिंगल PDF बना लेना है, जो भी आपको 10 पेजेस का जो है वो सिंगल PDF बनाने के बाद आपको उसमें रीनेम करना है। तो रीनेम आपको कैसे करना है PDF का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद स्लैश डाल अंडरस्कोर डाल के एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिया गया है। तो आपको सब्जेक्ट नेम और एग्जामिनेशन रोल नंबर PDF का रीनेम देना है। उसके बाद आपको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा आपका PDF मेल करने के लिए आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में, जो मेल आईडी आपको दे दी जाएगी कॉलेज के द्वारा। तो यहाँ पे यही था नोटिफिकेशन। और उसके बाद दिया गया है कि देयर विल बी नो प्रोविज़न फॉर हार्ड कॉपी सबमिशन, यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिशन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अंडर नो सर्कमस्टेंसेस टाइप पेजेस विल बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे टाइप्ड किया हुआ मतलब कंप्यूटर से पेजेस एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल हैंड राइटिंग आंसर स्क्रिप्ट जो आपके पास रह जाएगा उसको आप अपने पास कीप करके रखिएगा, क्योंकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सकता है। तो ये था एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एसओपी और नोटिफिकेशन जो शेड्यूल के साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिलीज़ की आज के डेट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, मैं आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।